मेरा नाम है विपिन गुप्ता और मैं एक आर्किटेक्चर डिज़ाइनर हूँ। मैं लोगों का घर बनाता हूँ, अलग अलग जगहों पे घूमता रहता हूँ, अलग अलग इंडिया के अलग अलग सिटी में। अभी मैं आया हूँ नेपाल, तो जो है मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ अलग, जैसे यूएई हो गया, मैं अभी विजिट किया, तो उसके बाद से मैं अभी नेपाल आया हूँ। इसके आगे मैं कहाँ जाऊँगा पता नहीं, जाते हैं देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी जो है मैं आया हूँ नेपाल में लुम्बिनी में। आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध, बुद्ध भगवान का जो जन्म स्थल है, मैं वहाँ पे हूँ। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये मेरे पीछे जो है ये जो बिल्डिंग है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं जॉब से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बताऊँगा जॉब का कैसे क्या है, कहाँ कहाँ पे जॉब कैसे सर्च करना है, कैसे मिलेगा मेरे थ्रू जॉब, लोगों को जॉब मिल जाएगा कहीं पे, कुछ बहुत सारे जॉब्स होते हैं जो कंपनियां होती हैं, कुछ लोग जॉब उनके पास होता है, कैंडिडेट्स नहीं होते, ढूंढ रहे होते कैंडिडेट्स को, जॉब नहीं मिल रहे होते कंपनियों को, कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे होते, ये हालत होती कभी कभी। तो इसके लिए जो है जॉब से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा, ट्रैवल से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, और स्टूडेंट को लोगों के लिए मैं मोटिवेट करूंगा उनको कैसे क्या चीज़ें गाइडेंस है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें रहेंगी जो भी है। तो बहुत झंडे लगा के रखे हैं और झंडे पे लिखे हुए हैं कुछ, क्या लिखे हैं, किसने लिखे हैं, ये लोग चाइनीज में लिखा हुआ है कुछ मुझे लगता है ऐसा झंडे के ऊपर। अच्छा है ये गौतम बुद्ध का, ये जो मंदिर का एरिया है बहुत बड़ा है और बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब बना कर के, ये तो मेन मंदिर है जो जहाँ पे इनका जन्म हुआ था बुद्ध भगवान का। इसके साथ साथ में छोटे छोटे हर एक कंट्री ने अपना एक मंदिर बना के रखा है। तो ये मेन मंदिर और इसके अलावा मतलब 10-12 मंदिर बनाया हुआ है, 10-12 मंदिर बनाए हुए, कुल मिला के 15 के आसपास में मंदिरें हैं। ये जो है मेन मंदिर है जहाँ उनका जन्म हुआ था। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे लुम्बिनी, घूमते हैं हम लोग पूरा इधर जितना भी है, इसके बाद से निकलेंगे हम लोग अगले डेस्टिनेशन के लिए, देखते हैं पोखरा जाना है, उसके बाद से निकलेंगे हम लोग, हो सकता है काठमांडू निकलें और जो भी है नेपाल में कुछ जगह है वहाँ देखेंगे, उसके बाद से कोई नेक्स्ट कंट्री विजिट करेंगे। हाँ आप लोगों को बता दूँ, ये नेपाल जो है इंडिया के लिए वीज़ा फ्री है, वीज़ा नहीं लगता है, आप डायरेक्ट आइए। जैसे आप इंडिया में अलग अलग स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं वैसे यहाँ भी जा सकते हैं, बस थोड़ी से है बॉर्डर पे आपके बैगेज चेकिंग होते हैं 2-3 बार, वो लोग देखते हैं, कभी कभी पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो आप बता सकते हैं कि घूमने के लिए जा रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव है मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से जा सकते हैं। तो आप लोग आइए यहाँ पे, नेपाल भी अच्छा कंट्री है, थोड़ा कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए, आप लोग घूम सकते हैं। तो अच्छा है ये देखिए पीछे जो है ये कुछ, ये बहुत पुराने ये न्यू है जो पहले हुआ बने होंगे, कुछ बिल्डिंग होंगे या फिर पहले ऐसे ऐसे वो नहीं होता पसाड़ युग का वो खाना हुआ खुदाई किया हुआ वो सब निकलता है, तो ऐसे यहाँ पे भी निकले ये सब चीज़ें। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नया चैनल है मेरा, सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए, ग्रो कीजिए, आपका अपना ही भाई है। और जो है जो भी चीज़ें होती हैं घंटा दबाना होता है और जो भी चीज़ हो सब कर दीजिएगा,